नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग को बता दूं, मैंने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, क्योंकि दोस्तों मेरा अप्रूव हो गया था। मैंने वीडियो बना के दिखाया भी था और काफी सारे हमारे पास कमेंट भी आए थे कैसे आपने अप्लाई किया था, मैंने उसके बारे में भी बताया था। बट दोस्तों जैसे ही मेरा कार्ड अप्रूव हुआ उसके दो दिन बाद लॉकडाउन हो गया। COVID-19 कोरोना वायरस हमारे पूरे देश में फैल गया और कोरियर सर्विस सब कुछ बंद हो गया और दोस्तों इसके चलते मेरा कार्ड मुझे रिसीव नहीं हुआ। दोस्तों मेरे पास एक्सिस बैंक की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है हमारे क्रेडिट कार्ड का। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको ₹590 क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस पे करना पड़ेगा 5 मई तक। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये बोल रहे हैं कि 5 मई तक आपको ज्वाइनिंग फीस देना पड़ेगा ₹590 और मिनिमम अमाउंट आपको ₹100 पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आ गया कि मुझे कार्ड तो मिला नहीं, ना मैंने कार्ड को यूज किया, ना मैंने कार्ड को एक्टिवेट किया। अब बैंक ने मुझे यहाँ पे भेज दिया है स्टेटमेंट कि आपको ₹590 पे करना पड़ेगा 5 मई तक। दोस्तों मैंने बैंक में गया, बैंक के बोला कि मैम मेरा कार्ड आ चुका, मेरा कार्ड का स्टेटमेंट आया है और मैं कैसे पे करूं, मुझे कार्ड का नंबर नहीं पता है और कस्टमर केयर नंबर में कॉल करो तो कस्टमर केयर नंबर नहीं लग रहा है, बिना कार्ड नंबर कैसे बिल पे हो सकता है। तो मैम ने बताया कि कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होगा, आपको कोई पेनल्टी चार्ज नहीं लगेगा। बट दोस्तों ये बैंक ने गलत किया, क्योंकि बैंक ने अगर कार्ड रिसीव होता है तो कोरियर सर्विस बैंक को ईमेल करके और एक स्लिप जारी कर देता है कि कस्टमर को कार्ड रिसीव हो गया है। बट दोस्तों क्या बैंक को ये बातें नहीं पता होगा कि कस्टमर को क्रेडिट कार्ड रिसीव नहीं हुआ है तो वो स्टेटमेंट वो बिल कहाँ से पे करेगा। अब ये ₹590 में पे नहीं करूँगा तो मुझे इस पर चार्ज लगने वाला है। भले से मुझे बैंक बोलता है कि आपको चार्ज नहीं लगेगा, बट दोस्तों मुझे इसमें चार्ज लगेगा 100%। दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत बार कोशिश किया, मैंने ईमेल किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। और दोस्तों इसके बाद मैंने जो है संपर्क किया, जहाँ से मैंने कार्ड बनवाया मैंने उनसे बात किया, सब लोग बोले कि आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बट दोस्तों मैं इतने दिन से कार्ड यूज कर रहा हूँ अदर बैंकों का, मुझे पता है कि अगर मैं ये पे नहीं करूंगा तो मुझे इसका फाइन चार्ज देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा, ये मैं जानता हूं। तो दोस्तों ये है देखो बैंक की कहानी कि बैंक ऐसा गलत काम कर रहा है। दोस्तों ये गलत है, सरासर गलत है। बैंक को सोचना चाहिए कि कस्टमर को कार्ड रिसीव नहीं हुआ है, हम स्टेटमेंट बना के भेज दे रहे हैं, कस्टमर कहाँ से पे करेगा। इन्होंने हमें मैसेज भी कर दिया, टाइम भी दे दिया कि आपको आपको 5 मई को पे करना पड़ेगा। मैं कहाँ से पे करूंगा, कैसे पे करूंगा, मेरे पास कार्ड नंबर नहीं, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यही इनकी एक सच्चाई है। मैं क्या कहूँ बैंक को कि इस तरीके से ऐसा ये कर रहे हैं और हमें तो बैंक वाले बोले कि फाइन चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों आप लोग को पता है क्रेडिट कार्ड का कनेक्शन बैंक से नहीं होता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड अगर आप बनवाने जाओगे बैंक में तो क्रेडिट कार्ड का डिपार्टमेंट अलग होता है। वहाँ पे जब भी आप बोलोगे कि मुझे कार्ड बनवाना है तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि हाँ ये एजेंट है, वहाँ पे बैंक से ही एजेंट रहते हैं, वही अप्लाई करते हैं और बनता है। क्रेडिट कार्ड क्लोज करना है तो वो भी आपको ऑनलाइन कॉल करके क्लोज करवाना, सब कुछ काम ऑनलाइन ही होता है, बैंक से बहुत कम होता है, इनका कोई बैंक से नाम ही नहीं होता है। इस तरह से एक क्रेडिट कार्ड काम करता है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से यूज करता हूँ और मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों जो लोग बोलते हैं कि मैं बैंक में गया वहाँ पे ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये कार्ड जो है, एक कार्ड का प्रोसेस सब कुछ इनके एजेंट के थ्रू होता है। बैंक का एक डिपार्टमेंट अलग होता है, बैंक का एक ऑफिस अलग रहता है, क्रेडिट कार्ड का बनवाने का करने का सब कुछ अलग रहता है। तो दोस्तों आप बताओ कि मैं ये बिल कैसे पे करूँ। अगर आप लोग के पास कोई उपाय है तो मुझे प्लीज़ बताइए कि आप इस तरीके से पे करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये लोग फाइन चार्ज लेंगे। मुझे फाइन चार्ज का टेंशन नहीं है, मुझे ये टेंशन है कि मैं कभी आज तक 1 रुपया बिल पेंडिंग नहीं छोड़ा हूँ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड टाइम पर अगर बिल पे ना करो तो आपके लिए बहुत खतरा साबित होता है, बिल पे करो तो आपके लिए वरदान साबित होता है, ये मैं जानता हूँ।
तो आप बताओ क्या ये बैंक ने सही किया या गलत किया, कमेंट में करके मुझे बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर करना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।